हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ट्विटर। माय नेम मोहम्मद सकाजी। आज मैं आया हूँ कॉलेज अपने डॉक्यूमेंट्स और टीसी माइग्रेशन सब कलेक्ट करने। मैं और हिमांशु साथ में आए हैं आज, और पूरा कॉलेज घूमे, सब जगह घूमे, पूरी याद ताजे हो गई पुरानी। अब पूरे कॉलेज में हर डिपार्टमेंट में लेके घूमना इसको। देखो सारे टीचर्स के साइन, और अब पागल जैसे हम दोनों मस्त घूमेंगे पूरे कॉलेज में। हर दिन भर का यही काम है हमारा। कल लैपटॉप लिया था, और आज पूरे नेडियस में साइन कराते घूमेंगे पूरे कॉलेज में, सारे डिपार्टमेंट में। और सबसे पहले आ गए हैं टूल रूम में साइन कराने। ये सीएनसी लेत रखी है, सीएनसी मिलिंग थी, ये नई वाली आई थी 2019 में मेरे हिसाब से, और इस पर मैंने खूब काम किया। यहाँ पर ये आंसू गैस के गोले का काम चल रहा है बीएसएफ का, और ये सीएनसी मिलिंग है, इसमें पता नहीं अभी क्या काम चल रहा है। ये भी कोई बीएचईएल का काम है, वो बन रहे हैं। ये कंट्रोल पैनल है, इसमें मैं वर्क करता था पूरा। और यहाँ की फ़ोटो डालूंगा मैं हिमांशु की, कि ब्लू मोल्ड आया था तो हम लोग गेट खोल कर पूरा ब्लू मोल्ड को ऐसा बेड पर असेंबल करते थे। और ये साइड में ईडीएम मशीन रखी है, वायर कट रखी है लास्ट में, वो बड़ी मशीन ईडीएम का मशीन है। और ये सीएनसी है, यहाँ पर सर साइन कर देते हैं फिर चलते हैं अपन ट्रेन। यहीं करते थे गदर, ये थी लैब प्लास्टिक प्रोसेसिंग। ये देखो इस तरीके से पड़ा रहता है टेस्टिंग का मटेरियल। सीएनसी लैब प्रोसेसिंग, यहाँ हम लोग पानी पीते थे, भयंकर गदर। ये उसी डीएन का इंटरव्यू चल रहा था। मानशु सामने लाइब्रेरी, ये हमारी क्लास लास्ट टाइम की, फिफ्थ टाइम की क्लास। शायद फोर्थ सेम में यहाँ बैठे थे अपन, फर्स्ट सेम और सेकंड सेम की ये सामने वाली क्लास है। केमिस्ट्री लैब में सारे केमिकल गिरा दिए थे। सोने के कारण ऐसे लाइब्रेरी की चाबी मिल जाती है, और अपने आप से खुद काम कर लो जाकर। लाइब्रेरी चल, मैं यहीं बैठ के हम गदर करते थे, यहीं सीखते थे कैट कैम और एनएक्स। मैं और हिमांशु, ये हमारे डॉक्यूमेंट्स, लाइब्रेरी कार्ड, और ये हमारा फॉर्म। अब लाइब्रेरी कार्ड के लिए बैठे हैं, चाबी मिल गई थी, अब चाबी छीन ली गई है, और अब चलेंगे। हिमांशु कैसा लग रहा है कॉलेज में रिटर्न आके? मजा आ रहा है। कितने साल बाद आए हो रिटर्न? वन ईयर के बाद। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही कि जिस जगह हम बैठते थे उधर आके फिर से बैठने को मिला। और लाइब्रेरी में आ गए, देखते हैं लाइब्रेरी में अपना कोई पुराना खाता बाकी तो नहीं है। और यहाँ से फ्री होके चलते हैं फिर अकाउंट डिपार्टमेंट में जमा करके अपनी कॉशन मनी लेते हैं। और ये सीपेट का एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, डिज़ाइनिंग का कैट देख सकते हैं आप। और ये सामने अपन देख रहे हैं ऊपर से अकाउंट डिपार्टमेंट की तरफ से नीचे एक कोड बना है बैडमिंटन के लिए, और सामने प्रोसेसिंग है लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड टूल रूम देखिए आपको। यहाँ पर वो भी टीचर डे का फंक्शन भी हुआ था, और रिवर्स ये अकाउंट डिपार्टमेंट से साइन हो गई है। अब अपन कुछ फिर से एडमिन हेड के साइन कराना है, तो अभी चलते हैं ट्रेनिंग में, कहाँ पर एडमिन हेड है पता करते हैं। और ट्रेनिंग से एक और बार भगा दिया गया है, फिर एक और एडमिनिस्ट्रेशन के साइन करवाने। अब चलें फिर, कम से कम नहीं तो 5-6 किलोमीटर चल लिया होगा इसी कॉलेज में, हर डिपार्टमेंट से हर डिपार्टमेंट, और अब परेशान हो गए हैं।
आखिर मिल ही गए डिप्लोमा मार्कशीट। और अभी भी सबको डॉक्यूमेंट्स मिल चुके हैं लेकिन माइग्रेशन और टीसी नहीं मिली है, तो उसका वेट कर रहे हैं। डायरेक्टर सर साइन कर देंगे तो वो भी मिल जाएगी और फिर अब चलेंगे घर। देखो हिमांशु यहाँ बैठा है और हमारा पूरा ग्रुप यहाँ इस सीढ़ियों पे बैठा है। इस जगह मैं फ़ोटो डाल दूँगा, आप सब देख लेना। और डॉक्यूमेंट्स तो मिल चुके हैं, टीसी और माइग्रेशन बचा है। और हिमांशु भाई कैसा लगा आज कॉलेज आकर? इस कॉलेज में कभी एडमिशन मत लेना मेरी मानो तो। पूरा कंप्लीट हो गया, बस टीसी और माइग्रेशन रह गई है। पीछे सीपेट कॉलेज पूरा दिखाता हूँ। देखो बीटेक की बिल्डिंग तैयार हो गई है और ये पूरा मेन गेट है। यहाँ से अंदर गए थे पार्किंग वार्किंग में लगा कर। अभी 2 घंटे का और बोला है वेटिंग, फिर देखते हैं कैसा क्या है। हाँ, और ये है हिमांशु का गेट एंट्री। यही था रूम, ये वाला सिंगल पेड था, ये एंट्री गेट था मेन। पार्टीशन चेंज हो गया लेकिन इसका हमें बिल्कुल अलग कर दिया भाई अंकल ने। इतना रूम था यहाँ से इतना था। बस वो चेंज कर दिया इनने, महंगाई कर दी, महंगाई बढ़ा दी और कुछ नहीं है। वाली 800 सीधे 2 साल में लॉकडाउन के बाद महंगाई कर दी है। एक ऐसा करो भैया, एक दाल हरी मिर्च लगा दो। बगल में लग गई। ये पूरे डॉक्यूमेंट्स मिल गए और चलते हैं पार्किंग में, अपनी बाइक उठाते हैं घर के और चलते हैं। ये कॉलेज का कुछ लास्ट व्यू। और मैं और हिमांशु सोचा अभी जेके रोड पर घर चलते हैं। खाना पीना तो खा ही लिया था लंच में। और सुबह हम 9 बजे आए थे मैं और हिमांशु, अभी शाम के 5:30 करीबन बज रहे हैं। और पूरा दिन ही लग गया हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते हुए। पहले अपना मार्कशीट वगैरह कलेक्ट करी, उसके बाद फिर TC माइग्रेशन कलेक्ट करा। वो तो दोस्त लोगों ने बताया था 3 दिन का टाइम लगता है, लेकिन हम लोगों ने एक ही दिन में पूरा कंप्लीट कर लिया। बहुत जुगाड़ लगाई हम लोगों ने और मिशन हमारा सक्सेसफुल रहा। देखते हैं शाम को कहीं घूमने जाते तो आपको ब्लॉग में और दिखाते हैं। वैसे तो अभी सब 8 बजे बंद ही हो रहा है भोपाल में। और ये JK रोड का मेन चौराहा, लेफ्ट हैंड साइड इंदपुरी निकल जाओ। लेकिन अभी चलते हैं अशोक गार्डन तरफ। और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कॉलेज देखकर कैसा लगा, पुरानी याद अच्छी ताज़ा हुई नहीं हुई। और हम लोग अभी जा रहे हैं घर, मिलते हैं अगले व्लॉग में। और मैं बहुत दिन बाद भी व्लॉग डाल रहा हूँ, मेरे कैमरा थोड़ा ख़राब हो गया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग।